पूरे देश की एक एक की जमीन मध्य प्रदेश वालों की है, और मध्य प्रदेश की एक एक जमीन, एक एक इंच जमीन पूरे देश की है, आपको मालूम नहीं है खड़गे साहब। मुझे बताओ, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जोर से बोलो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी, नहीं हटाते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने 5 ही साल में जजमेंट भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर अपने मंदिर में विराजित किया। 17 तारीख को रामनवमी है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। पूरे देश को इसका आनंद है। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राम मंदिर बनाया तो नहीं, मोदी जी ने बनाया और निमंत्रण भेजा तो निमंत्रण का स्वीकार भी नहीं किया, रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। और जो लोग रामलल्ला के दर्शन करने गए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकालने का काम किया। मित्रों, ये लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करी है, ये लोगों ने आतंकवाद को सर पर चढ़ा कर रखा था। मैं आपको बताने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई ऊफ नहीं करता था। मोदी जी की सरकार आई, उनको लगा अभी भी कर सकते हैं, उरी और पुलवामा में किया, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सीए जो शरणार्थियों को नागरिकता देता है, वो सभी हिंदू बहुत शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भाई और बहनों, इन लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति के अलावे कुछ सूझता नहीं है। मैं आज जब यहां आया हूं तब पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, श्रीमान बंटाधार, आप अगर सुनते हो तो मेरी बात का जवाब देना। 10 साल तक आपने केंद्र में सरकार चलाई, 2004 से 14 तक मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा दिया, जरा हिसाब किताब दो मध्य प्रदेश की जनता को। भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वो नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं, दे दूं क्या हिसाब? दे दूं भाई, ध्यान से सुनिएगा। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 1,99,000 करोड़। और मोदी जी ने 10 साल में
मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1,99,000 के सामने 7,74,000 करोड़।